हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी बफर द राइडर। एंड गाइस, आज के दिन में क्या करने वाला मुझे खुद को भी नहीं पता, क्योंकि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। आज मुझे दो तीन जगह भी जाना है, एंड आज मैं सोच रहा हूँ मेरे हेयर को ट्रांसफॉर्म कर लूँ फाइनली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो मैं सोचा कि हेयर ट्रांसफॉर्मेशन में ब्लैक कलर हेयर कर लूँ, एंड जो साइड से इतने बड़े बड़े बाल हो गए उसे फेड कर लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी शानूज में हूँ मैं। शानू में बहुत ज़्यादा लेट हो गए, दिशा बोल रही टकला होने के लिए, अब मैं क्या बोलूँ। ठीक है, सो देखते क्या होता है आज, एंड पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनली शानू मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है, एंड बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। ये कलर और बहुत पसंद है। तुमने इतना अच्छा जो ग्लो है कलर है कलर शानू भाई ने इतना अच्छा किया, तो यार कोई डाउट नहीं। सो अभी हमें चलना है शानू भाई, कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग जा रहे हैं किधर जा रहे हैं? नहीं अभी नहीं, सीधे जाएंगे। ओके, तो जाएंगे देखिएगा। ओके सो गाइस, बहुत ही कम चांस मिलता है स्टार लोगों के साथ बैठने के लिए, एंड फाइनली मैं बैठ गया शानू भाई के साथ। मेरे साथ एक स्टार है, वही बोल रहा हूँ, मेरे साथ एक स्टार है सितारा, बहुत ज्यादा फेमस है। मैं स्टार नहीं हूँ, देखो एक शायरी अर्ज करना चाहता हूँ। बोलो अर्ज किया है? हाँ। अर्ज किया, बोलो अर्ज किया है। चांद का वो ऊपर वाला चांद, चांद का सुनो तो सही, ऊपर वाला चांद, इसलिए पहले मेंशन कर रहा हूँ, क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ। अच्छा, चांद का और मेरा एक ही मुकद्दर है, चांद का और मेरा एक ही मुकद्दर है, वो तारों में एक है और मैं हजारों में। वाह 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 वाह। बाकी तुम जा रहे कहाँ हो? मैं अभी जाड़ा नहीं हूँ, पतला ही हूँ, बाकी जा रहे हैं हम। बाकी लोग चांद पे जा रहे हैं और तुम काम पे जा रहे हैं, क्या सीन है? क्या बात है, सही है। सो अभी हम जा रहे हैं चांद पर, सॉरी काम पर, सॉरी महेश चौहान के पास। ठीक है, सो महेश भाई के पास जा रहे हैं आज, एंड लेट्स सी। मैं भी आज टैटू बनाने वाला हूँ पूरे हाथ पे। शानू भाई ने बोले कि ऐसा बना तो नहीं सकते, आज मैं भी बनाने वाला हूँ टैटू। मैं पूरे हाथ पे, आर्म्स पे बनाने वाला हूँ, हाथ पे बनाने वाला हूँ, और थोड़ा चेस्ट पे बनाऊंगा, और फेस पे हो सके तो फेस पे बनाऊंगा। आईज भी आईज के अंदर जो व्हाइट है ना उसको ब्लैक करूंगा। ठीक है, सो ये बहुत सारी चीजें मॉडिफिकेशन करने वाले हैं हम। महेश भाई को आज हम चैलेंज देने वाले हैं आईज का, देखते क्या करते हैं महेश भाई, कर पाएंगे कि नहीं। वैसे तो महेश भाई के लिए इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट कर लेते महेश भाई। बाकी गुफू भाई ने आज हेयर कलर सब क्या, मतलब आज चाहते क्या हो तुम? आज मैं ये चाहता हूँ टैटो, हेयर कलर और ये सब क्या है भाई? कल से मेरा नए दिन शुरू हो रहे हैं, मैंने किसी को बोला है जुलाई मेरा नहीं है लेकिन अगस्त मेरा रहेगा। मेरे को भी सलोन से लेके आ गए, जबकि मैं कहीं जाता नहीं हूँ जल्दी। एक स्टार बोलेगा तो जाना पड़ता है भाई साथ में। क्या चालू है, बहुत बड़ी बड़ी फेंकना चालू कर दी। चांद पे जा रहे भाई तुम, काम पे नहीं जा रहे। ठीक है, देखते पहले पहुंच तो जाते हैं। और यार ट्रैफिक नहीं लग रही है क्योंकि हम सही टाइम पे निकले, ये अगर हम 6-7 बजे निकलते थे तो पूरा ट्रैफिक मिलता था। सही बोला ना? चलो गुफू, आप कितनी शादी कर रहे हो? मैं करूंगा 4-5 शादी। सिर्फ 4-5? और कहाँ कहाँ की चाहिए लड़की आपको? साउथ नहीं, साउथ कोरिया की और रशिया की, और साउथ कोरिया, रशिया, एक अमेरिका चाहिए और एक इंडियन, क्योंकि इंडियन जो रहेगी उससे झगड़ा तो करूँ मैं। और इंडियन से झगड़ा क्यों करना है? थोड़ा झगड़ा वाली चाहिए ना। और साउथ की क्यों चाहिए? साउथ कोरिया इसलिए चाहिए कि साउथ कोरिया बस चाहिए, शादी करना बस। अच्छा, साउथ कोरिया। ओके, तो और ये क्यों चाहिए आपको? कौन सी और बोला था? रशिया। रशियन क्यों चाहिए? उसको हिंदी नहीं आवे इसके लिए। उसको हिंदी नहीं आवे तो मैं दूसरी शादी कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। ओके, पहले रशियन को ही लेके आऊंगा। ठीक है, उसके बाद में फिर नहीं, पहले साउथ कोरियन को लेके आऊंगा। पर एक एक वाइफ को कितना टाइम दोगे और कैसे कैसे रखोगे? 5 साल दे रहे हो ना एक वाइफ को? एक वाइफ को 5 साल दे रहे हो, बाकी क्या करोगे? उसको डिवोर्स दोगे? एक के साथ में थोड़ी ना शादी करने वाला हूँ शानू भाई। अच्छा, मेरी जिंदगी जब तक 40-50 तक रहेगी, ठीक है? ओके, तो ना मैं 5 सालों में, 5-5 साल में ना अपनी वाइफ चेंज करते रहूंगा। ओके, ठीक है, 5 साल के बाद उसको छोड़ दूंगा। ओके, मतलब सेट कर दूंगा उसकी लाइफ, उसके बाद छोड़ूंगा। ठीक है, 5 साल के बाद फिर दूसरी, फिर उसको छोड़ दूंगा।
अच्छा, तो उनको छोड़ने के टाइम पे आप उनको कुछ पैसा ऐसा दोगे? पैसा अरे पूरी लाइफ सेट करके दे रहा हूँ ना, पैसा नहीं करेंगे वो लोग। हाँ, अगर तुमको बॉलीवुड कोई एक्टर की लड़की मिले शादी करने के लिए तो? ओह माय गॉड, फिर चार चांद लग जाएंगे, वो खुश नसीब रहेगी बहुत ज्यादा। अगर उनको पहले पता होगा कि तुम पहले से चार पांच शादी कर चुके तो? नहीं नहीं, फिर तो पहले बॉलीवुड वाली से करूंगा ना, बाद में उसकी सोचेंगे। नहीं, जैसे पांच शादी होने के बाद में कोई बॉलीवुड कोई एक्टर की लड़की मिल गई तुमको तो? तो मैं शादी कर लूंगा, फिर वो लास्ट रहेगी फिर। हाँ, फिर वो लास्ट रहेगी। वैसे तुमको कौन सी कौन पसंद है? तुमको कौन सा एक्टर पसंद है? मुझे एक्ट्रेस में, मुझे एक्ट्रेस तो नहीं मिलेगी, लेकिन इन फ्यूचर अगर कोई लड़की कोई नहीं यार, जब तक तो मैं यार ये हो जाऊंगा, बुड्ढा हो जाऊंगा। ओके, देखो मेरे को ना एक्ट्रेस में ना पांच एक्ट्रेस पसंद है। हाँ, टॉप पे फर्स्ट पे जैकलिन। ओके, सेकंड पे उर्वशी रोटेला। ओके, थर्ड पे नोरा फतेह। हाँ, फोर्थ पे सनी लियोनी और फिफ्थ पे मौनी रॉय। और सनी लियोनी बोले कि गुफ्फू शादी करना है तो क्या करोगे? नहीं करूंगा। क्या क्या बताओ यार, छोड़ो। और नूरा फतेह से? हाँ कर लूंगा मैं तो, रेडी हूँ। ओके, नोरा भी चलेगी, जैकलिन भी चलेगी, भले से वो 40 साल की है बट चल जाएगी। पर ये तुमको जो सनी लियोन है वो तो रेडी है शादी करने? नहीं, मैं रेडी नहीं हूँ। पर तुमको पसंद क्यों है वो? चेंज द टॉपिक, क्या बोल रहे हो? सनी लियोन पसंद क्यों है आपको? बस ऐसे ही। जैकलिन क्यों पसंद है? जैकलिन तो मेरी जान है। अच्छा, नूरा फतेह? नूरा फतेह बस अच्छी लगती है, हाई गर्मी बस। ओके, और सनी लियोन? A few moments later. तो गुफ्फू, तुम्हारी आज फिल्म बन चुकी है, तुमको पता नहीं मैं यहाँ पे कैमरा ऑन किया हूँ और तुम्हारा सारी बात सुन ली मैंने। क्या शानू भाई, कैंसिल करो तो, उसको बंद करो। ये क्या है शानू भाई, ये अब तो पूरा रिकॉर्ड हो चुका है भाई। एडिटिंग मेरे हाथ में ना? नहीं भाई, तुम्हारे हाथ में कैसे? वीडियो मेरे फोन में शूट हुआ है, वीडियो मेरे फोन में शूट हुआ है भाई। और ये भाई ने जैकलिन का हमने नाम लिया, किसका? सनी लियोन का। तो ये ड्राइवर भाई अभी बच गए, थोड़ा सीरियस हो गए थे भाई। तो भाई हमारी बातों पे तो ध्यान मत दो, गाड़ी ध्यान से चलाओ, क्योंकि भाई ये अकेला ही है जो 6-7 लड़कियों के जीवन में आने वाला है। सब भाई ये अकेला बंदा है जो अभी तक हमने सुना है जो 6-7 लड़कियों के साथ में उनके साथ शादी करने वाला, उनकी लाइफ को बेहतर बनाने वाला है। तो मीनल, तुम कुछ बोलोगे? कुछ भी नहीं। कुछ बोलो ना, ये गुफू के इतने सारे ये भाई के सपने हैं, क्या वो सही है गलत है? बिल्कुल सही है। देखा, सब लोगों को इंडिपेंडेंस रहना चाहिए, किसी ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये गुफू, अगर आपने ये चीज यूट्यूब पे नहीं डाला तो मैं पक्का बोल रहा हूँ मैं रिवील कर दूंगा। मेरे फोन में तो है वीडियो, मेरे पास में। ये वीडियो तो मेरे ऊपर ही डिपेंड है, मैं नहीं डालूंगा। मैं नहीं, अगर तुमने नहीं डाला तो मैं डाल दूंगा। लोगों को पता चलना चाहिए गुफ्फू के क्या क्या ख्वाब है, क्या क्या ड्रीम है, क्या सोचते है भाई। मैं बहुत अच्छा सोचता हूँ। नहीं भाई, चलो ठीक है। तो अभी तक गुफू भाई की बन चुकी है जो मैं बना रहा था। शाने भाई यार क्या कर दिया। भाई के टैटू स्टूडियो पे आ चुका है। हेलो भाई, मैंने आपको कल कॉल किया था, आपने उसे उठाया नहीं। बड़े लोग बड़ी बातें, हाँ सिर्फ कॉल करते हैं, डायरेक्ट आते नहीं है। गणेश गुप्ता, गणेश तुम 6 तारीख को आने वाले थे, 5-4 बस स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू, बचपन से थैंक यू। नर्स नहीं बोल रहेगा, नर्स ने बोला मैं स्मार्ट पहले। सो गाइस, महेश भाई ने हमारे लिए यहाँ पे क्या मंगाया? महेश भाई ने पिज्जा। महेश भाई बहुत खातिरदारी करते हैं। हाँ महेश भाई, तो आप लोग भी तो करते हैं। महेश भाई के बर्थडे के दिन हम रात में आए थे। शानू भाई, मिनल वेज वाली है, प्योर वेज, 100% प्योर वेज। नहीं, बस 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 इतना ही, रोज याद करके ये बोल सकता हूँ मैं 100%।
आपने रिवील कर दिया क्या? हाँ तो मैं रिवील करूंगा. ओह माय गॉड, सही है ना? तो अपने टाइटल भी वैसे डालेंगे ना. चलो ठीक है गाइस, अभी हम जा रहे हैं महेश भाई के न्यू शॉप पे जो कि महेश भाई ने लिया है. ओके हाँ विनल, कहाँ पर जा रहे हैं? महेश भाई के न्यू शॉप पे ब्लॉगिंग करना सीख लो. ठीक है, तो महेश भाई लोग आगे जा रहे हैं. महेश भाई, शानू भाई, वो दोनों बिजनेसमैन है और हम दोनों यूट्यूबर्स हैं. यूट्यूबर्स है, यूट्यूबर्स हैविंग 27 million. ओए तू भी रुक जा ना, यहाँ पे आओ. इस ये भी यूट्यूबर है, इनके 5 million है. नहीं नहीं, और इनके 27 million है. 27 million ना, 27 अभी हुआ. ओके ठीक है, समझ गए. चलो शॉप पे चलते, देखते मस्ती कर रहा था जस्ट खेड़ी. क्या हुआ महेश भाई? She is very weak. Very weak? Yeah. सबको सेम डायलॉग मारते हो, कुछ नया बोलो. ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ये भी सबको सेम डायलॉग मारते हो. अभी जस्ट राइट नाउ अभी सिर्फ दो ही बना रहा हूँ लाइन, और उसके बाद खत्म हो जाएगा. महेश भाई का चश्मे का फ्रेम में पा. ऑलरेडी फाइनली हो चुका है टैटू. ओहो, अभी जस्ट क्लीन करता हूँ. मेज चवान, मेज भाई, व्हाट्स अप मेज भाई, कैसा लगा टैटू? बहुत दर्द. इतना दर्द नहीं होता, मैंने भी बनाया हूँ, कभी दर्द नहीं हुआ मुझे. ₹10 वाला? ₹10 वाला, यहाँ पे ₹10 वाला टैटू बनाया हूँ मैंने. एक वो ₹10 वाले मार्कर से बनाया था, लेकिन वो आज तक मिटा ही नहीं. ओके सो गाइज, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे हार्ट के पास, जो मैंने सोचा था हार्ट के पास मेरी क्रश का फोटो लगाएंगे जो कि है जैकलिन. ओके बट टैटू नहीं बनवाएंगे. यहाँ पे वरुण भाई भी है. वरुण भाई को अच्छा वो वाला काम कर रहे यार, गलत बात है यार, मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ. ठीक है, सो ये फोटो बनाएंगे. ठीक है, इसको मैं ट्रेस करता हूँ. क्या करना पड़ेगा ट्रेस के लिए? नहीं नहीं, फिर इसमें जाओ, पहले इसमें जाएंगे, क्लिक करके रखना और सीधा इधर लेके आना ट्रैक. अच्छा, इसको क्लिक करके रखो, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. हाँ, हाँ, फोटोशॉप में. हाँ. पूरा पानी मत ले, तुम जा रहे हो तो रुको. अरे सब्सक्राइब करो, भाईचारा बेचारा हो गया, भाईचारा नहीं हुआ. फूड चैनल है, सब चैनल है, इसमें फूड ब्लॉगिंग से लेके सब कुछ होता है. बस ब्लॉगिंग नहीं होता, बस ब्लॉगिंग. मैं बोल रहा हूँ विनल को फ्रेंचाइजी ले लो, और तुम वहाँ पे रायपुर में छत्तीसगढ़ में. मैं सुनाम बोलता हूँ, मैं फ्रेंचाइजी भी सोच रहा हूँ. क्या करते हो बताओ? तुम्हारे बात नहीं, तुम्हारे से बात नहीं. तुम बताओ, मैं फ्रेंचाइजी भी नहीं लूंगा, मैं सलोन बोलता हूँ. उनको शामिल का सिर्फ एस भी नहीं मिलेगा. मैं शामिल सलोन लिख के बड़ा से बैनर लगा के सोचता हूँ मैं शामिल सलोन. तुम क्या करोगे? मैं उसको ये करूँगा, कॉपीराइट क्लेम. कॉपीराइट क्लेम नहीं कर पाऊंगा. तो मैं रजिस्टर्ड है, मेरा नाम थोड़ी ना रहता है. तो गवर्नमेंट के ब्लॉगों पे मैं थोड़ी ना, मैं बड़ा सा शानदार सलाद लिखूंगा, हमारे सलाद के बाजू में ही बनाऊंगा. ऐसे कैसे? ऐसे कैसे?
हटो जाला स्टार्ट है। ओके सो गाइस यहां पे अभी हम फाइनली जैकलिन की पिक्चर लगा रहे हैं। ओके जैकलिन की पिक्चर का टैटू बना रहे हैं। ओके एंड मुझे नहीं पता कि कैसा बनने वाला है, लेट्स सी। रोहित भाई कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, पहले ट्रेसिंग होगा उसके बाद टैटू बनेगा। जैकलिन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, रो देगी भाई ये देख। डर नहीं लग रहा, पानी पानी हो गई जैकलिन ने तो मुझे डर नहीं लग सकता क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। जैकलिन रो देगी, मतलब ये प्यार फैन वाला है क्या? फैन वाला प्यार नहीं है, ये एक लड़का और लड़की वाला प्यार है। नाइस वन, ये जैकलिन से प्यार हो गया है। यस बहुत शक्ल देखी मिरर में, बहुत ही गहरा वाला। आपके घर में मिरर है? नहीं है इसलिए नहीं दिखा आज तक। आपके घर में मिरर है? कम कम यार। उधर दिखाओ जरा, आपके घर में मिरर है? मेरे घर में मिरर नहीं है। तो आपने कभी शक्ल देखा है? नहीं। आपके हेयर कलर देखे आपने? नहीं। आपके कपड़े देखे? नहीं। ये क्या है, ये क्या है, ये मतलब जैकलिन के साथ मजाक हो रहा है? नहीं जैकलिन के साथ ही मेरे साथ मजाक हो रहा है। चलो रोहित भाई, अरे भाई तुमको हंसना नहीं आता है, तुमको बोलना नहीं आता है, तुमको जैकलिन से प्यार हो गया। अरे जैकलिन को कहीं सुसाइड करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है किधर जाके कहीं तो गटर विटर में देखना पड़ेगा इसका। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आज मैं बहुत ही ज्यादा थक गया और रात के 3 बज चुके हैं। ओके और मैं अभी वीडियो एडिट नहीं किया तो मुझे सोने भी नहीं मिलने वाला है। वीडियो एडिटिंग करना है, अपलोड करना है, बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।